हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं पीटीसी इंडिया के बारे में, जिसके करंटली हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको इंडेक्स व्यू जानना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डेली फ्री लर्निंग ट्रेड्स मिल जाएंगे, साथ में आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। अगर हम पीटीसी इंडिया की बात करते हैं, तो अगर आप मेजर टाइम फ्रेम मतलब बड़े टाइम में अगर आप देखोगे, तो करीब 1 साल का ये टाइम फ्रेम है जहां पर स्टॉक एक रेंज बनाकर ट्रेड कर रहा है। तो आप पूरा एक रेंज को मार कर सकते हैं ये, ठीक है? तो इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, या आप सिंपली इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग भी मार्क करके रख सकते हैं। तो इसका सपोर्ट है और ये इसका अभी सॉरी ये इसका रेजिस्टेंस है और यहाँ पर सपोर्ट है। सपोर्ट लेवल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 160-165 का रेंज है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये 230-240 का लेवल है। अब देखते हैं हुआ क्या है। तो पहले जनवरी के आसपास या दिसंबर के आसपास सपोर्ट लिया, देन रेजिस्टेंस लिया करीब जनवरी एंडिंग में, फिर वहां से सेलिंग आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे, तो मार्च में आकर इसने सपोर्ट बनाया, फिर जाकर इसने एक हाई लगाया, अगेन सेम सपोर्ट आया, फिर यहां से बाउंस किया टारगेट तक। टारगेट पर काफी टाइम वेट किया, एक ब्रेकडाउन दिखाने का यहां पर ट्राई किया, वहां से ट्रैप किया और फिर से सेलिंग के लिए आ चुका है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी के लिए जो सेलिंग आ रहा है, वो आई थिंक यहाँ पर आकर पॉज ले जाना चाहिए। मतलब करीब 160 के लेवल पर आपको एक अच्छा पॉज अभी देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ से अगर बाउंस करता है, तो आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। अगर आप इस रेंज को प्ले करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा जहाँ से हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी अगर इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट करता है प्राइजेक्शन के साथ, तो फिर इसको बाइंग के लिए मत प्लान करिएगा। आने वाले टाइम में बड़ा फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना रेंज आई थिंक बना हुआ है, सेम मोमेंटम हो सकता है रिपीट हो जाए वहां पर। बाकी नॉर्मली अगर हम सपोर्ट की बात कर लें इसके बाद, तो डायरेक्टली आपको करीब 140 के आसपास सपोर्ट दिखने वाला है, और इसी का जो डाउन साइड वाला रेंज है, करीब यहाँ पर आपको 120 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अभी फिलहाल अगर करंट लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से बाउंस करके करीब 190 के लेवल तक बाउंस ये कर सकता है। तो प्लान करिए अभी के लिए थोड़ा सा वेट करने का। जब ये वाले लेवल पर आकर मार्केट किसी एक साइड पर निकलता है, तो हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं, चाहे वो रिवर्सल हो या यहाँ पर कंटिन्यूशन हो ब्रेकडाउन के बाद। तो बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।